CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश में किसी भी बात पर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उनसे सरकार सख्ती से निपटना जानती है। हाल ही में ओवैसी की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया था कि सीएए की वापसी के लिए तमाम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे और उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। ये तीन कानूनों को, कृषि कानूनों को वापिस लिया। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है, उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, आप हम खुद आएंगे यहां पर। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है।